क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ पूरी तरह से फेल ही साबित हुए हैं। न तो अभ्यास मैच में पृथ्वी का बल्ला चला और न ही पहले टेस्ट मैच में। इससे पहले खेली गई टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड में भी पृथ्वी पूरी तरह से फेल ही साबित हुए थे, लेकिन फिर भी टीम मैनेजमेंट लगातार पृथ्वी शॉ को खिला रहे थे क्योंकि कहा जा रहा था कि उनमें टैलेंट है। लेकिन अब जबकि एडिलेड टेस्ट में बुरी तरह से पृथ्वी के फ्लॉप होने के बाद मेलबर्न टेस्ट से शॉ का बाहर होना तय हो गया है, तो अचानक से पृथ्वी शॉ बौखला गया है। और इस बौखलाहट में पृथ्वी न तो किसी का कद देख रहा है और न ही किसी का पद। बस पृथ्वी ने अपने मुंह खोल दिया और बोल दिया और दिग्गजों को बहुत कुछ कह दिया, बौखलाहट में गालियां तक दे दी। तो कैसे पृथ्वी शॉ ने सुनील गावस्कर और युवराज सिंह को कह दिया बुरा भला, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस बड़ी खबर को तुरंत शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हां, पृथ्वी की इस गंदी हरकत पर कमेंट जरूर करें। तो पृथ्वी शॉ अब न सिर्फ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर होने जा रहा है, बल्कि पृथ्वी अब पूरी तरह से टीम से ही बाहर हो जाएगा और फिर उसके बाद पृथ्वी शॉ की वापसी लगभग नामुमकिन है। और ये बात अब पृथ्वी को भी पता चल चुकी है। जी हाँ, शॉ को मैनेजमेंट ने साफ साफ इशारा मैसेज दे दिया है कि वो अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे और पृथ्वी भी ये जान चुके हैं कि अगर वो अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो फिर हमेशा के लिए उनकी छुट्टी हो जाएगी। अब जब टीम मैनेजमेंट का प्लान साफ हो चुका है तो अचानक पृथ्वी शॉ भी बुरी तरह से बौखला गया है। जी हाँ, पृथ्वी फैसले के बाद बौखला गया और अपने फेल्योर का दोष दूसरों पर मढ़ने लगा है। पृथ्वी शॉ ने अपने इंस्टा पर लिखा, कई बार आप जब कुछ करना चाहते हैं तो कुछ लोग आपको ऐसा नहीं करने देते, आपको डिमोटिवेट करते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी ने आगे लिखा, इसका मतलब ये होता है कि आप तो वो चीज कर सकते हो लेकिन बोलने वाला शख्स वो चीज नहीं कर सकता और इसीलिए इस तरह से दूसरों के पीछे पड़ जाता है। अब ये बात पृथ्वी शॉ ने सीधे सीधे सुनील गावस्कर और युवराज सिंह को निशाना बनाकर कह दी, क्योंकि गावस्कर लगातार कह रहे हैं कि शुभमान गिल को टेस्ट मैच में मौका मिलना चाहिए, पृथ्वी शॉ का डिफेंस घटिया है, बेकार है, वो टेस्ट मैचों के लायक ही नहीं है। वहीं युवराज सिंह ने भी पृथ्वी पर सवाल उठाए और कहा था कि हम कब तक पृथ्वी को झेलेंगे, गिल को मौका क्यों नहीं मिल रहा है। और इसके बाद पृथ्वी शॉ का बयान आ गया कि कुछ लोग आपको कुछ नहीं करने देते। वैसे यहाँ पर साफ बात तो यह है कि सिर्फ गावस्कर और युवराज सिंह ही नहीं बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया पृथ्वी शॉ पर सवाल उठा रही है और पृथ्वी की घटिया बल्लेबाजी को घटिया ही कह रही है। लेकिन पृथ्वी शॉ को लगता है कि वो फेल हो रहे हैं तो इसके लिए सुनील गावस्कर और युवराज सिंह जैसे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है अपने दौर में। ये तो वही कहावत हो गई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और पृथ्वी ने दिग्गजों पर सवाल उठाकर ये भी बता दिया कि उनकी सोच कितनी छोटी है, क्योंकि पृथ्वी शॉ किसी के कहने से नहीं बल्कि अपने घटिया खेल से फेल हुआ है। और अब ये भी सच है कि वाकई पृथ्वी शॉ की टीम इंडिया में वापसी कभी नहीं होगी और उसका करियर लगभग खत्म समझिए। तो पृथ्वी शॉ के इस बहाने पर, दिग्गजों पर सवाल उठाने पर आपका क्या कहना है, पृथ्वी की इस गंदी बात पर आपका क्या कहना है, सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का पहला मैच टीम इंडिया हार गई। बेहद शर्मनाक ढंग से हुई हार के बाद अब 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच मेलबर्न में शुरू होगा। अब पहले टेस्ट मैच के बाद कप्तान विराट कोहली भारत वापस रवाना हो गए हैं और विराट की जगह पर रहाणे कप्तानी करेंगे। लेकिन यहां पर कप्तानी के साथ साथ टीम में कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। यहां तक कि आधी टीम ही दूसरे मैच में बदली हुई नजर आएगी, जिसमें रोहित पंत राहुल को बड़ा मौका मिल सकता है क्योंकि टीम में आमूलचूल परिवर्तन की बात कही जा रही है। तो क्या है दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम की संभावना, कैसी हो सकती है मेलबर्न में भारत की टीम, आपको बताते हैं। आप इस टीम पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो 26 दिसंबर से शुरू होने वाले मेलबर्न टेस्ट को टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा, चाहे जो हो जाए टेस्ट मैच को जीतना ही होगा, नहीं तो सीरीज की हार का खतरा मंडराने लगेगा। ऐसे में दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम मैनेजमेंट कई सारे बदलाव के बारे में प्लानिंग कर रहा है, तो वो सारे के सारे बदलाव आपको बताते हैं, आपको कंफर्म बदलाव भी बताएंगे और आपको संभावनाएं भी बताएंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं, तो मेलबर्न टेस्ट में ओपनिंग जोड़ी बदल जाएगी। जी हां, पृथ्वी शॉ का बाहर होना फाइनली तय है।
क्योंकि पृथ्वी का डिफेंस बेहद कमजोर है और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पृथ्वी को पूरी तरह से क्रैक कर लिया है। यानी अब पृथ्वी कंगारों के सामने खेलता भी है तो फ्लॉप ही साबित होगा, लिहाजा पृथ्वी शॉ को बाहर किया जाएगा। जबकि दूसरे ओपनर मयंक अग्रवाल फिलहाल टीम में बने रहेंगे। मयंक अग्रवाल पर टीम को फिलहाल भरोसा है। अब यहाँ पर पृथ्वी की जगह पर ओपनिंग के दो दावेदार हैं और पहले दावेदार हैं शुभमान गिल, जिनका खेलना लगभग कंफर्म है। क्योंकि वैसे तो पहले टेस्ट मैच में गिल को खिलाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब दूसरा टेस्ट मैच शुभमान गिल खेलेंगे ये करीब पक्का है। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा को लेकर बातचीत चल रही है, उनका 9 दिन का क्वारंटीन हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर पृथ्वी शॉ की जगह पर रोहित शर्मा की भी दूसरे टेस्ट मैच में बतौर ओपनर वापसी हो सकती है। हालांकि रोहित का खेलना पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा कि वो रोहित का क्वारंटीन कम करते हैं या नहीं। तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा ही खेलने आएंगे, इसमें कोई बदलाव फिलहाल नहीं है और पुजारा को मेलबर्न में बड़ी पारी खेलनी ही होगी। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, तो यहाँ पर बदलाव नहीं बल्कि महाबदलाव होने जा रहा है, क्योंकि कप्तान विराट कोहली घर वापस लौट गए हैं। तो चौथे नंबर पर केएल राहुल की एंट्री होने जा रही है। जी हाँ, राहुल को फाइनली टेस्ट टीम में जगह मिल रही है और हेड कोच रवि शास्त्री बतौर ओपनर नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर में राहुल को बल्लेबाज के तौर पर खिलाने जा रहे हैं। राहुल चौथे नंबर पर आकर बल्लेबाजी करेंगे। राहुल के अलावा श्रेयस अय्यर भी टेस्ट टीम में शामिल हैं, जिन्हें T20 सीरीज के बाद विराट के रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में ही रोका गया था, लेकिन अभी राहुल को यहां पहला मौका मिलेगा और राहुल मिडिल ऑर्डर में आप टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आएंगे। पांचवें नंबर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ही खेलेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है और रहाणे को भी यहाँ कप्तानी पारी दिखानी होगी। जबकि छठे नंबर पर हनुमा विहारी खेलेंगे। विहारी की टेक्निक काफी अच्छी है, बस विहारी को विकेट पर वक्त बिताने की जरूरत है और वो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सातवें नंबर की और विकेट कीपर की, तो यहाँ पर भी बदलाव हो सकता है। जी हाँ, रिद्धिमान साहा की जगह पर ऋषभ पंत को खेलने का मौका मिल सकता है। पंत को इस बार टीम मैनेजमेंट आजमा सकता है और वैसे भी पंत ने अभ्यास मैच में शानदार 100 ठोका था। अब गेंदबाजों की बात करें तो बदलाव यहां भी हो रहा है। मोहम्मद शमी बुरी तरह से चोटिल हैं और शमी पूरी तरह से सीरीज से बाहर हो गए हैं और शमी को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। ऐसे में शमी की जगह पर दो ऑप्शन हैं, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज, जिनमें से किसी एक को चुना जाना है, लेकिन इनमें भी मोहम्मद सिराज को चुने जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि सिराज के पास लाल गेंद से खेलने का अनुभव ज्यादा है, सिराज के पास रेड बॉल क्रिकेट की ज्यादा क्षमता है। वहीं बाकी गेंदबाजों में कोई बदलाव नहीं होगा। जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव गेंदबाजी को लीड करेंगे, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट में रवि अश्विन ही मौजूद रहेंगे, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में शानदार बॉलिंग की थी। तो कुल मिलाकर टीम में एक दो नहीं बल्कि कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें टीम का चेहरा मोहरा सब कुछ बदल जाएगा। तो देखना होगा कि रोहित को टीम में जगह मिलती है नहीं और राहुल मिडिल ऑर्डर में कैसा खेल दिखाते हैं, रहाणे की कप्तानी कितनी दम दिखाती है। तो आप भी इस टीम को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आप भी बताएं कि कैसी टीम दूसरे टेस्ट मैच के लिए होनी चाहिए। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।